सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाचन ग्रंथि के अंतर्गत जो सहायक पाचन ग्रंथियां आती है, जिसमें अग्नाशय, यकृत और लार ग्रंथियां होती है, यकृत या लीवर जो सहायक ग्रंथि है, उसकी संरचना और उसके कार्य तथा अग्नाशय की संरचना और उसके कार्यों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पाचन तंत्र के विभिन्न भाग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना समय गवाए हम अपने मुख्य टॉपिक पाचन में सहायक ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय। भोजन के पाचन के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यकृत ग्रंथि जो सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत आती है पाचन के अंतर्गत। तो यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथियों के अंदर इसका नाम आता है। इसके आकार की हम बात करते हैं तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये लीवर है। लीवर के ऊपर इस शेप के अंदर ये जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि यकृत ग्रंथि कहलाती है। ये अग्नाशय और यकृत ग्रंथि शरीर की दो बड़ी ग्रंथियां होती है। इसमें यकृत ग्रंथि जो होती है, उस यकृत ग्रंथि की उपस्थिति हम देखते हैं तो उदर के दाहिने भाग उपस्थिति के अंदर, उदर के दाएं भाग में स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है पित्त रस का निर्माण, पित्त रस का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। पित्त रस का यकृत ग्रंथि के द्वारा जब निर्माण हो जाता है तो ये पित्त रस निर्माण के बाद पित्ताशय के अंदर जाके इकट्ठा होता है। पित्ताशय के अंदर जब इकट्ठा हो जाता है तो एक विशेष प्रकार की वाहिनिकाओं के द्वारा यह ग्रहणी के अंदर खुलता है और इसका पित्त रस का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य है वसा का पाचन। यानी वसा पाचन में सहयोग प्रदान करता है, वसा के पाचन में ये सहयोग प्रदान करता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण और इसका पित्ताशय के द्वारा संग्रहण, ये प्रक्रिया यकृत ग्रंथि के द्वारा संपन्न होती है। पित्त रस जो होता है वो हरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिसके अंदर वसा के पाचन हेतु कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यकृत जो होता है वो एक विशेष प्रकार के लिगामेंट्स की सहायता से डायाफ्राम से लटका हुआ रहता है, डायाफ्राम से लटका हुआ रहता है। इस स्थिति के अंदर यकृत या लीवर दो पाली के अंदर बट जाता है या विभक्त हो जाता है, दाई पाली और बाई पाली। दाई पाली इसमें बड़ी होती है और
बाई पाली इसमें छोटी होती है, या इसको यूं कह सकते हैं कि ये दो भागों में बढ़ जाता है, दाया भाग और बाया भाग। दाया भाग हमेशा बड़ा भाग होता है और बाया भाग हमेशा छोटा भाग होता है। बड़े पाली या दाई पाली के नीचे एक छोटा थैली नुमा संरचना उपस्थित होती है। ये थैली नुमा संरचना पित्ताशय कहलाती है, जिसका मुख्य कार्य पित्त का संग्रहण करना, जो कि यकृत के द्वारा निर्मित होता है। यकृत और पित्त पित्ताशय दोनों ही अपने संयुक्त रूप से ग्रहणी के अंदर एक नलिका द्वारा खुलते हैं, जहां पर पित्त रस को छोड़ा जाता है ताकि वो भोजन के पाचन की क्रिया में मदद कर सके। उसके बाद यकृत के अंदर कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुफर कोशिकाएं कहां उपस्थित होती है, तो आपका आंसर होगा यकृत में। ये कुफर कोशिकाएं जो यकृत में उपस्थित होती है, इन कुफर कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है ओल्ड आरबीसी यानी पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करना। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके बाद दूसरा, ये जीवाणु भोजी के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो भी जीवाणु पहुंचते हैं उसको भी ये नष्ट करने में मदद करता है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए यकृत के विभिन्न कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि यकृत के क्या क्या कार्य हैं और वो किन क्रियाओं को संपन्न करता है। यकृत का कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि यकृत द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। ये पित्त रस हल्का क्षारीय द्रव होता है। ये हल्का क्षारीय द्रव होता है तो इसमें क्या क्या चीजें उपस्थित होती है वो हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि हल्के क्षारीय द्रव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पाई जाती है वो चीज है वसा का पायसीकरण या इमल्सन। वसा का पायसीकरण या इमल्सन ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस पित्त रस की, जो कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पाचन के अंतर्गत। वसा का पायसीकरण क्या होता है या वसा का पायसीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसके अंदर वसा के जो बृहत अणु होते हैं उन बृहत अणुओं को ये छोटे छोटे सरल अणुओं के अंदर बदल देता है। यह प्रक्रिया वसा का पायसीकरण कहलाती है। ताकि वसा के इन छोटे छोटे सरल अणुओं का आसानी से अवशोषण किया जा सके। दूसरी बात, पित्त रस के अंदर जो कई वसीय अम्ल प्लस पित्त लवण तथा पित्त वर्णक भी पाए जाते हैं। विशेष करके आयनों में अगर देखते हैं तो इसके अंदर कुछ आयनों की मात्रा भी उपस्थित होती है, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड आदि आयन्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। यकृत के
अन्य कार्य के अंदर हम देखते हैं कि यकृत ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। नेक्स्ट, उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट उपापचय प्रक्रिया, प्रोटीन उपापचय प्रक्रिया और वसा उपापचय प्रक्रिया। उसके बाद यकृत के अंदर तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है जो अति आवश्यक क्रियाएं होती है, जिसमें पहली है ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और तीसरी है ग्लाइकोनियोजिनोसिस। ये तीनों प्रक्रियाएं या तीनों क्रियाएं यकृत के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद यकृत में विघटन प्रक्रिया भी चलती रहती है, जो वसा का विघटन करता है वसीय अम्ल तथा कोलेस्ट्रॉल के अंदर। उसके बाद ये संश्लेषण के कार्य में भी मदद करता है, जिसमें प्लाज्मा का संश्लेषण, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण और यूरिया निर्माण के अंदर भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यूरिया का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यूरिया निर्माण मनुष्य के अंदर कहाँ होता है, तो यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण मनुष्य के अंदर होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के साथ साथ यह विघटन का कार्य भी संपन्न करता है। यकृत के अन्य कार्य के अंदर हम देखते हैं कि यकृत के अंदर उपस्थित जो कुप्पर कोशिकाएं होती है, जैसा कि मैंने पूर्व बताया था, वो कुप्पर कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का विघटन भी करती है। उसके साथ साथ यकृत कुछ पदार्थों का और विटामिन का अपने आप में संचय करता है, जिसके अंदर कुछ विशेष विटामिन जो अपने अंदर पाए जाते हैं ए डी ई के, B12 और फॉलिक एसिड, इनका ये संचय करता है। तत्वों के अंदर अगर हम देखते हैं जो कि शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिसमें कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, फेरस, पोटेशियम आदि तत्व होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यकृत भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में कि भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण यकृत के द्वारा संपन्न होता है। और उसके बाद एक विशेष कार्य इसका रह जाता है जो ये है निराविषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन। यकृत के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी संपन्न किया जाता है, जो भी शरीर के अंदर आए हुए विषैले पदार्थ है उनको ये निराविषीकरण भी करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने यकृत और अग्नाशय की संरचना और उसके विभिन्न कार्य के बारे में अध्ययन किया है। मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है और भोजन के पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले इस द्वितीय बड़ी ग्रंथि के अंतर्गत हम इसका रंग यदि देखते हैं तो ये भूरे मटमैले रंग की होती है। उसके बाद इसका आकार शहतूत के समान उभरा हुआ होता है, इस टाइप से शहतूत के समान उभरा हुआ होता है, जिस तरीके से शहतूत के ऊपर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं उसी तरीके से इस ग्रंथि का आकार होता है। यह ग्रंथि मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई माना जा सकता है संरचना के आधार पर, जिसका प्राथमिक भाग सिर कहलाता है और द्वितीयक भाग पूंछ कहलाता है। सिर बड़ा होता है, पूंछ पतली लंबी संरचना होती है। ग्रहणी के मोड़ के ऊपर इसका सिर उपस्थित होता है और बाईं ओर प्लीहा
तक, बाईं ओर प्लीहा तक इसकी पूंछ उपस्थित होती है। तो इस विशेष प्रकार की ग्रंथि जो अग्नाशय ग्रंथि है, एक सहायक ग्रंथि के रूप में पाचक में सहायता करती है। अग्नाशय ग्रंथि की उपस्थिति हम देखते हैं तो उपस्थिति के अंदर उदर जो भाग होता है उस उदर भाग के बाईं ओर स्थित होती है, ये उदर में बाईं ओर स्थित होती है और आमाशय के पीछे की तरफ होती है। आमाशय के पीछे स्थित होती है। मैंने आप लोगों को पूर्व के वीडियो में बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि मिक्स ग्लैंड के रूप में भी जानी जाती है। मिक्स ग्लैंड के रूप में इसलिए जानी जाती है क्योंकि वो एक्सो और एंडो दोनों ही कार्य को संपन्न करती है। जब ये दोनों ही कार्य को संपन्न करती है इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ एक्सो ग्लैंड इसको इसलिए कहा गया है या बहिस्रावी ग्रंथि इसको इसलिए कहा गया है कि यहाँ अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय रस का स्राव करती है। जब ये अग्नाशय रस का स्राव करती है तो ये अग्नाशय रस अब विशेष वाहिनिकाओं के द्वारा ग्रहणी के अंदर छोड़ा जाता है और वहां पर अग्नाशय जो पाचक रस होता है उस पाचक रस को वहां पर छोड़ा जाता है ताकि भोजन की पाचन की क्रिया संपन्न कर सके। इसलिए यह एक्सोग्लैंड होती है या बहिस्रावी ग्रंथि होती है, परंतु इसको अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर उपस्थित लैंगर एंड दीपिकाएं उपस्थित होती है और ये लैंगर हैं दीपिकाएं एक हार्मोन्स का स्राव करती है और ये हार्मोन्स सीधा रक्त में पहुंचता है बिना किसी वाहिनियों के। इसलिए यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है और इन्हीं दोनों कारणों के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण, अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण संयुक्त पिंडकों के रूप में होता है। ये संयुक्त पिंडक जो होते हैं इन संयुक्त पिंडकों के अंदर अनेक छोटी छोटी कुपिकाएं उपस्थित होती है। ये अनेक कुपिकाएं जो संयुक्त पिंडक के अंदर उपस्थित होती है इन कुपिकाओं के अंदर अनेक अग्नाशय कोशिकाएं होती है और ये अग्नाशय कोशिकाएं जो इसमें उपस्थित होती है कुपिकाओं के अंदर ये अग्नाशय कोशिका अग्नाशय रस का स्राव करती है। ये अग्नाशय रस विशेष वाहिनिकाओं के द्वारा ग्रहणी तक पहुंचता है और वहां पर पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। इस अग्नाशय रस के अंदर हम देखते हैं कि यहां पर बाइकार्बोनेट और जल की मात्रा अधिकतम होती है। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।